चलो देखते हैं भाई साहब घर देखते हैं आज। ये एंट्रेंस में है देखो, ये जो है वो पार्किंग से अंदर आने के लिए, वो पार्किंग है, वो जो ऑफिस में बैठा है वो पार्किंग है। ये देखो बेडरूम, क्या बात है। ये मिरर कितना अच्छा लगाया हुआ है बाहर का। ओ हो, क्या बात है। वॉशरूम, ये चेंजिंग रूम, ये चेंजिंग रूम है, वेरी नाइस। ये हमारी फोटो, ये झाड़ यहाँ पर भी लगाए हुए ना, देखो। मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, ये सारे होटल जैसे लगते हैं। ये देखो ये एंट्रेंस है, सारे वुडन फ्लोर। तो ये है हमारा लिविंग एरिया, ठीक है। ये नंबर वन है और ये सामने बैक यार्ड है। अच्छा, ये सोफे वगैरह बीच में देंगे कि नहीं? बीच में देंगे, मतलब ये सारा फर्नीचर इंक्लूड नहीं देंगे। अच्छा, खाली घर है, सिर्फ दीवार मिलेगी। ओह, ये इधर देखो, ये घर भी नहीं, सिर्फ दीवारें मिलेंगी। ओह, कलाकारी बड़ी अच्छी लगाई हुई है सर इन्होंने। क्या बात है भाई, सारा टिकाया हुआ है ना, सही है, वेरी नाइस। ये शीशा कॉमन बाथरूम है, बड़ा कितना है, बाथटब भी बीच में लगा हुआ है। इधर ये वो है क्या चीज, ये देखो कितना बड़ा, डबल बेड है। हाँ डबल है, ये देखो कितना बड़ा नहाने के लिए। वॉशरूम बहुत बड़ा, कॉमन। लास्ट वीडियो आपने बहुत लाइक की थी, इसको भी इसे ही तरह लाइक करना है। ये लिविंग एरिया दिखा दो भाई, टीवी वगैरह रखा हुआ है, जबरदस्त है। माइंड माइंड आ जाओ सर, आ जाओ सर, कितना बड़ा है। तो अभी नहीं है, ये देखो। अरे तेरी, यहाँ पर हम देख के देख सकते हैं सर? नहीं 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 नहीं, अलाउड नहीं, अलाउड नॉट अलाउड। ये सिंगल रूम है, अभी भी देखो जगाई हुई लाइटें वगैरह है ना, सभी में वार्डरोब है। ओके दैट्स ग्रेट, इधर आ जाओ आ जाओ। लाइट सस्ती, ये भी सिंगल, कितने कमरे हो गए? एक, बच्चों के लिए दो, तीन, ये तीसरा हो गया कमरा ना, और इसमें भी लगा, ये तीसरा सर, चौथा, चलो चौथा हो गया। और इधर क्या है? लॉन्ड्री, ये लॉन्ड्री है, बाहर जा सकते हैं? नहीं लॉक किया हो, बाहर पिछले दफा में लॉक किया था, बाहर क्यों जाना, पेंटिंग वगैरह लगाई हुई है। खुला ही है, इतने चमके हुए ना शीशे, लग ही नहीं रहा कि गार्डन बाहर भी। माइंड ब्लोइंग, एडिलेड में एड्रेस मैं आपकी आंखों के सामने दे रहा हूँ, जबरदस्त घर है भाई, जबरदस्त। लंबा है और चार बेडरूम है, और आपने देख लिया सोफे वगैरह कितने लगे हुए हैं। अभी हम और ऊपर आपको एक ना एंटरटेनमेंट रूम दिखाने वाले हैं, बहुत बड़ा। अरे वाह, माइंड ब्लोइंग यार, सीढ़ियां वाला घर तो मुझे जबरदस्त लगता है। हाँ, एक फोटो ना, वो ऊपर देखो, खेलने के लिए प्लेइंग एरिया, बच्चों और यहाँ पर अपने फ्रेंड्स वगैरह आ जाए, मीटिंग वोटिंग कर लो, ये गेम वगैरह खेल लो है। ये देखो यहाँ पर लगा लो, एसी लगा हुआ, यहाँ पर बैठ सकते हैं सर? नहीं सर, पर लास्ट वाले घर के अंदर तो बैठ के देखा था मैंने। चलो भाई, ये निखिल भाई कैसे लगा घर? नाइस यार, यहाँ पर घर मिल जाए तो भाई, मैंने लास्ट टाइम के ऊपर कहा था कि लॉटरी वगैरह डालनी पड़ेगी, लॉटरी मैंने खेलता नहीं हूँ, नहीं तो एक आधी निकल ही आएगी, भगवान की कृपा से अगर निकल जाए ना सर। दो ले लेंगे, दो ले लेंगे, एक आपके लिए। चलो अब हम दूसरा, ये जो घर देखा है ये सारी गली वगैरह रखते हैं, इतना रखते हैं, इधर की साइड भी है। अब हम दूसरा घर देखने जा रहे हैं, माइंड ब्लोइंग भाई, वेरी नाइस। ये भी डबल फ्लोर का है, और ये गैराज है, ये क्या गैराज है? वो भी गैराज ही था,
जिसपे वो बैठा होगा वो बनेगा क्योंकि सांस भी कभी ये वो उधर से बने हुए थे कमरे ये इधर से बने हुए वो रिकॉर्डिंग लाइट यहाँ पर वीडियो बनाओ बना बैठ मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा अच्छा। जो पिछले वाले घर में और इस वाले घर में क्या फर्क है। पिछले वाला घर बेशक इससे छोटा है मगर डेढ़ से दो गुना महंगा है क्योंकि आप फ्लोरिंग देखो ये लैमिनेटेड फ्लोरिंग है वो वुड फ्लोरिंग थी उसके दरवाजे आप देख लेना सर ये देखो तो सभी को बता दें ये है पार्किंग एरिया ठीक है क्योंकि अब वहां पर आगे उन्होंने लगाया हुआ है देखो ये कर सकते गाड़ी है ना ये टेम्पररी है ये ऑफिस बना रखा है और जब ये घर बिक जाएंगे और जब लोग रहने के लिए आएंगे तब ये निकाल के फिर उनको पार्किंग बना के ये छोटे छोटे चीजें बहुत पसंद आती है सर ये बीच में ये लगा दिया हमने हर एक चीज को अच्छा बनाया हुआ ये देखो यहाँ पर हम सजावट कर सकते हैं प्लीज डू नॉट यूज द टॉयलेट सर नहीं यूज करना ये मुझे किचन देखो कितनी अच्छी है देखो ये किचन में देखो लेमिनेट जो है सादे लगे हुए हैं ठीक है सिंक सादा लगा हुआ है ओवन सादा लगा हुआ है ये भी सादा ये देखो इसमें ना अलग से पैंट्री नहीं बनी हुई है पैंट्री ना लगी हुई है उसी से अलग रूम नहीं बना पैंट्री का तो आप देखोगे आपको पता चलेगा कि ये पहले घर से ये क्यों सस्ता है बिल्कुल सर और ये उसके मुकाबले लगता भी नहीं है सर बाकी जो दर्शक देख रहे हैं जो व्यूअर्स देख रहे हैं हम घर दिखाएंगे ये दूसरा घर है और हमें बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा घर बनाओ और थोड़ा सा अंदर वाली चीजों पे जो है ना आप कम खर्चा करो तो ऐसा घर मिलेगा आप ज्यादा पैसा खर्चा करोगे तो और अच्छा घर मिलेगा ये बेडरूम है जी नाइस लोगों को दिखाओ अच्छे से अकेली अकेली चीज पता लगनी चाहिए उनको कि भाई ऑस्ट्रेलिया में घर कैसे होते हैं ये पहला बेडरूम आ गया जी नहीं दूसरा है नहीं पहला है पहला अरे भाई ये देखो एंट्रेंस दिखाओ एंट्रेंस पूरा दिखाओ भाई पूरा माइंड ब्लोइंग लाइटें वगैरह लगा कर रखते हैं गन्ने की बंदे का ना ये गन्ना हो रहा है बस है बस बस सर उन्होंने सजाया उस हिसाब से हुआ है कि लोग यहाँ पर रखे ताकि देख के लोगों को समझ में आए कि जब आप घर बनाओगे ऐसे बना ऐसे बन सकता है वाले ये कितना अच्छा ये देखो डबल सिंक ये डबल सिंक जो होता है हमेशा अपग्रेड होता है और ये देखो ये वन एंड हाफ शॉवर है क्योंकि नॉर्मल शॉवर से बहुत बड़ा है ये डबल सिंक मुझे लगता है इसलिए बनाया कि अगर मियां बीवी की लड़ाई हो जाए ये इसमें बीवी इसमें जब नहीं तो फिर एक में दो यहाँ पर आप अपने यहाँ पर डालने हैं अपने बच्चों के ये वो कोई दिक्कत नहीं सर ये देखो ये है इसकी जो लॉन्ड्री रूम है बहुत बड़ी है उस रूम से उस घर से बहुत ज्यादा बड़ी पर मुझे ना वो ज्यादा अच्छा लगा उसकी जितना अच्छा नहीं बना नहीं यार बात नहीं बनी अंदर से दिखाओ सर कितना बड़ा यार कितना बड़ा रूम कितना बड़ा रूम इंडिया में ना ये नॉर्मल रूम है सर इंडिया में लेकिन यहाँ पर इसको बहुत बड़ा माना जाता है चलो चले ये कीज वगैरह हमारी हमारा जो लैपटॉप खराब हो गया था ले जाए कीज दो तीन कीज थी हमारी टूट गई थी नहीं देखो कीज नहीं है कॉमन बाथरूम है ऊपर के बेडरूम्स के लिए और ऊपर के फ्लोर के बाथटब वॉश बेसिन और ये नहाने का बाथरूम ठीक है दोनों है टब भी है और शावर भी लगाया हुआ ये देखो मास्टर बेडरूम दो अरे मास्टर लगा था ये सबसे बड़ा बेडरूम दो लगाए हुए हैं सिंगल ये क्वीन साइज है ना पति पत्नी के जब झगड़े हो अलग अलग सोना
जब सुलह हो जाए तो जोड़ लेना, तो फिर दूसरे कमरे में जा सकते हो। कमरे बहुत है सर, क्या करना है इतने, ये तो दूसरा घर आप ले लेना, तीसरा विजु भाई लेंगे जो हम देखेंगे तीसरा। नहीं आया, हाँ आया। अब हम चलते हैं तीसरे घर की तरफ। दस फुट की या 9.5 फुट की होती है। आते ही एक बेडरूम है ये जी, ये जो है ये एक बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम कह लो, और ये भी एक हो गया दूसरा, और ये पार्किंग से आने के लिए दरवाजा, जैसे होटल में नहीं होते एक ही लाइन में लगा दिए बस खत्म हो गया कहानी। ये छोटा है, सस्ता है, और इसमें इधर क्या है पार्किंग से आने के लिए। अच्छा पार्किंग से आने के लिए भाई यहाँ पर बाथरूम है, और ये बाथरूम कितना बड़ा है, ये पुल बनाया हुआ है अगर किसी ने पार करना है इधर से इधर बना हुआ सर ऐसे जाके बच्चों के लिए। इसका जो है देखो ये डबल शॉवर है, वेरी बिग, अंदर से भी बना हुआ है, और ये जी कोने में टॉयलेट है। ये कमरा जो है थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये मास्टर बेडरूम है यहाँ का, देखो इससे बाथरूम भी जुड़ा हुआ है, देखो शॉवर भी है, और आपका वैनिटी भी लगा हुआ है। ये देखो ये चेंज रूम देखना, वॉक इन वार्डरोब कहते हैं यहाँ से, यहाँ इनको ये देख लो, ये अपने आप में एक कमरा है। ये लॉन्ड्री है, ये ताऊ को मिलने के लिए, ये देखो ये बाहर जाने के लिए, ये लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री से आपको जो है ना कपड़े बाहर जा सकते हैं, बाहर बाहर, इसको इस चीज को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में अल्फ्रेस्को, अल्फ्रेस्को जहर भाई को बहुत नॉलेज है भाई। देखिए ये आप फ्लोरिंग देखिएगा, ये लगती है कि ये वुड है, वुड नहीं है, ये टाइल है, हुक्का नहीं है भाई, ये हुक्का नहीं है, गलती से भी मत कर लेना। पानी नहीं आएगा, ये नदी नहीं 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 और मत कर देना भाई, देखो इनके ये पैंट्री पैंट्री देखो कितनी सुंदर बनाई है, आप खींच के दिखा रहा हूँ भाई, ये देखो ये बनी है पैंट्री, मेरी बॉटल ना छोड़ देना आप तिवारी, जान से मार देंगे हम। देखो डबल ओवन, क्या फाइव बर्नर स्टोव हमने कौन सर भाई, देखो ये चीज हमने पिछले दोनों घर में नहीं देखी, जो सबसे महंगी भी थी, ये पत्थर का बना हुआ है, दिस इज सॉलिड ग्रेनाइट, ये बहुत महंगा आता है हमारे लिए। इतना बड़ा लैंप, इतना बड़ा लैंप बोलो ना, पढ़ा ये यहां से दस दस किलो कितना साल था है, देखना काला दरवाजा खुल नहीं रहा, वो यार इधर घुमाना था यहाँ पर उल्टा साला। हाँ, ये घर बहुत सुंदर है, माइंड ब्लोइंग यार, ब्लैक एंड व्हाइट की ब्यूटी, मैं और उधर से आपने हुक्का लगाया और यहाँ पर बैठे हो, 50-60 साल के जब हो जाओगे तो यहाँ पर हुक्का काट के देखो, ये बाहर 1950 से लेकर 1970s का डिजाइन है, और अंदर से नया बनाया हुआ है यार, ये वार्डरोब देखो सर, ये इन्होंने दूर बनाया, ये बूढ़ा बंदों के लिए है, ठीक है, बूढ़ा बंदा इतनी देर में धीरे धीरे आएगा वो, इसलिए उनको नजदीक। ये ओपन शावर है भाई साहब, ये मतलब 1950s-70s में ऐसा होता था, ओपन शावर इसलिए क्योंकि ना इसमें देखना दरवाजा नहीं है, दरवाजा नहीं लगा, जब मेरे को ये अच्छा लगा ब्लैक एंड व्हाइट वाला, अब आओ अंदर आओ, ये घर अपग्रेडेड है, हाँ। लेकिन मुझे तो लगा ये डाउनग्रेडेड है, बहुत चिमनी यहाँ पर असली की लगा सकते हैं, असली की, असली का ही है वो, अच्छा असली का ही है, हाँ। क्या यार भाई लेना पड़ेगा सर, लॉटरी खेल लो, मार दो, क्या कौन सा ये
चारों में प्राइस कितने कितने का आपके अकॉर्डिंग बता दो ना। यहाँ पर भी यार पुल बनाया हुआ है पार करने के लिए, पार करने के लिए दिखाओ दर्शकों को। ये पुल किसके लिए है? शैम्पू और आपका चीजें रख के आप यहाँ पे सो के ना अपने लेट के आप नहाओगे, शैम्पू रखोगे, फिर क्या है यार वो कैंडल, सुगंध वाले कैंडल। सुगंध सर हमारे पास तो बाल्टी तब वो ही सही है सर, हम देसी बंदे हमने नहीं कुछ लेना देना, ये अंदर नहा गए और बाद में ज्यादा नहाएंगे हमारे को छीके भी आने लग जाएगी और बाद में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। देखो कंप्लीटली ऑटोमेटेड होम, क्या बात है, क्या लॉन्ड्री, लॉन्ड्री थोड़ा छोटा है मगर बहुत अपग्रेडेड है सर। घर सर अगर हमने जो बिजनेस डील करनी है ना भाई, भाई साहब अपना खुद का इंटीग्रेटेड कॉफी मशीन और ओवन, ये देखो भाई ये कितने अच्छे लगाए हुए हैं। हाँ पीछे की तरफ जगह ज्यादा है ना उसको, हाँ गार्डन बहुत है, गार्डन सही है भाई। और दर्शक जरूर बताएं कि आपको कौन से नंबर वाला घर अच्छा लगा, एक दो तीन चार, चार देखे ना हमने, पांचवा है और एक, एक और भी है। चलो उधर चलते हैं, इधर से चलते आ जाओ बाकी आपसे, इतनी गड़ी है हमारी। ये जो जगह दी जाती है ना, जो निखिल भैया अभी चल के जा रहे हैं, ये जगह दी जाती है अपने बिन वगैरह जो है ना सारा लेके आने के लिए, बाहर लेके जाने के लिए, या कोई भी बाहर से आता है गार्डन का काम कराना हो जो भी उसके ये खुफिया ठीक है। 2021 का एकदम मॉडर्न डिजाइन, दो की पार्किंग जब मैं आऊंगा घर पे ऐसे खोल के आऊंगा दोनों। ओह माय गुडनेस सर ये वाला तो बेस्ट है भाई, माइंड ब्लोइंग। ये नीचे ग्राउंड आते ही ऊपर भी नीचे भी यहाँ पर बैठो। अभी अभी इसकी सीलिंग देखो उससे दो गुना ज्यादा है ऊपर से सर। ये देखो ना ये ऊपर लाइटें दिखाओ लोगों को, ये दिखाओ कर्टन देखो 18 फीट का, तो फिर 17-18 फीट का यही है। तिवारी तिवारी मल्टी स्प्लिट स्प्लिट लेवल होम, ये एक लेवल वो एक लेवल, वो एक लेवल और ये एक लेवल ऊपर जो जाएगा। देखो इस घर में देखो जबरदस्त भाई जबरदस्त, यहाँ पर तो कुछ करने का दिल भी नहीं कर रहा, यहाँ पर इतने अच्छे बनाए हुए हैं कुछ करने का दिल नहीं करेगा सर, मुझे साइड के घर में जाना पड़ेगा जो पब्लिक पब्लिक टॉयलेट है वहां पर पैसे लेके घर से करने पड़ेंगे। मैं कर देखो यहाँ वो माय ओ इधर यहाँ देखो ना इधर मैं भाई मर लेफ्ट में देखो सर ये तो ये देखो ये क्या मैं बंदा आते जाते अपना मुंह देखता रहे और सवारता रहे अपने आप को। ये नहीं मतलब ये देखो यार अच्छा विशु भाई मुझे ये बताओ ये वाले सही रहते हैं कि दूसरे वाले गैस वाले? हमारे लिए गैस वाले अच्छे, गैस वाले सही होते हैं। हाँ ये सही है, ये भी मुझे इसमें भी डबल ओवन है। इधर देखो सर फ्रिज फ्रिज ये है ये देंगे बीच में इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर ठीक है। देखो पैंट्री स्पेस बताओ यार क्या बात है भाई, ये भी होगा उसको दबाओ, ये देख दबा के दबा के यस यहाँ से मुंह देखो अपना मुंह क्या बात, ये खुला खुला इसका इसका गार्डन देखो जरा पीछे बड़ा, ये मुझे लगता है महंगा है सब बहुत महंगा है। ये आज क्या है 2021 का 2020 का मॉडल है देखो। ओ देखो बारबेक्यू भी लगा हुआ है, बारबेक्यू और यहाँ पर हम बैठेंगे कितने जाऊंगा। देखो वो पहले वाले घर में जो महंगा हमने बताया था इस घर में ये अंतर है कि देखो बाहर का जो अल्फ्रेस्को है उसके ऊपर का सीलिंग भी कंक्रीट का बना हुआ है क्योंकि वो घर का पार्ट है। पंखा दिखाओ सर पंखा कितना जबरदस्त है, ये देखो पंखा कितना डिजाइनर लगाया हुआ है ऊपर दिखाओ
ऊपर दिखाओ भाई, मेरे मुंह के ऊपर मत दिखाओ, मेरा मुंह तो देखते रहेंगे सर। ये दिखाओ, ये इसके ऊपर पाउडर के ऊपर बनाओ। ये मुझे सही लगा, यहाँ पर बैठ के आराम से बातें करो। ये वाली निखिल भैया जी जो है इन टाइल की स्पेशलिटी बताएंगे, देखना। लगते मार्बल है मगर एंटी स्किड है और बहुत ज्यादा महंगे। पिछले घड़ी ऐसे करना ना, ये पानी भी, ये बंदे का कैरेक्टर जितना भी फिसला हो पैर नहीं फिसलेंगे। और ये यहाँ दिखाया आपने, मैं अंदर भी है सर, इधर भी है। अरे ये तो ये भी है, ये इसका इसका वो इसका वार्डरोब देखना, ठीक है? इसके इसका वार्डरोब देखना, इधर से गए उधर आ गए। हां ये वार्डरोब देखो, समय यहां से, यहां से निकले, ये दिखाओ भाई, और ये दिखाओ, और यहां से वापस आए। सर ये दिखाओ, ये दिखाओ, हमने पूरी प्रदक्षिणा लगाई है बेडरूम की। ये देखो सर, माइंड वाइंड ये नहीं छोड़ूंगा मैं, इसको तो लेके रहना सर, दोनों वाले ऐसे लड़ाई हो जाए जो है ऑस्ट्रेलिया में किसी के साथ, लेके रहना। ये देखो, ये देखो, देखो करते हैं तो धरने दो, कैसे लगाना है नाव और बाहर करते रहो सर इसको। अगर बाई चांस कोई नहा रहा हो और ऊपर से यहाँ पर छापिया मारता हो, डबल शॉवर, ट्रिपल शॉवर, ट्रिपल ये इसकी वीडियो अच्छे से बनाओ। ये काम क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं नहीं उन्होंने बंद कर रखा होगा कंट्रोल। अच्छा मुझे ये बताओ, कुछ लोगों को ये बताओ, ये फ्रेगनेंस के लिए है ना, फ्रेगनेंस के लिए, जो भाई लोग देख रहे हैं वीडियो को, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है काफी काफी कंट्रीज में मैंने देखा है, इंडिया में होता है पर इतना कॉमन नहीं है। सर आप यहाँ पर क्या करने आए, अभी मजे ले रहे हैं, पांचवा घर है, तो अभी आपको कौन सा पसंद आया जरूर बताना। सबसे ज्यादा जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में घर कैसे होते हैं, विशु भाई लेकर आए हैं, क्रेडिट इनको जाता है, मैं तो बस वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। और तिवारी भाई जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर घर लेने की, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना। ये घर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, पहले वाला। इस घर का कॉस्ट ना मिनिमम 1.5 होगा, कुछ भी नो प्रॉब्लम, अगर लॉटरी निकल जाए तो फिर 1.5 क्या। इसके कमरे भी देखे ना बड़े हैं। तिवारी जी कुछ करो, नहीं नहीं सर अंदर क्या करें सर, ये देखो थिएटर रूम, देखो थिएटर रूम, थिएटर रूम है, पूरा घुमाओ सर, आराम से घुमाना, लोगों को दिखाई दे कि भाई कुछ है, उनको हाउस टूर करवाए हैं, 5 हाउस टूर करवा दिए सर एक ही वीडियो में, 5 हाउस टूर। जब हम अपना लेंगे ना और भी दिखाएंगे, अभी तो बस। ओहो ये वो वाला चीज है, टॉयलेट, ये कैंडल्स, बाथटब, और ये भी दिखाओ। देखो इस घर में ना 2 बाथटब हैं, सब जो हमने अभी तक जो घर देखे हैं उसमें सिर्फ एक ही बाथटब था, मगर 2 बाथरूम थे उसमें, दोनों ये सादे वाला है, और जो मास्टर बेडरूम में लगा था वो बहुत महंगे वाला है। एक और बेडरूम, इसके बाद एक और, पूरे वार्डरोब के ऊपर उन्होंने शीशा लगाया भी, यहाँ पर जरूरत ना पड़े अलग से, ये तो बंदा लुक भी सकता है। चलो बाय।
अगले वीडियो में मिलते हैं। किसी को चुप नहीं, यहाँ पधारो सर, यहाँ पर कोई आया था, ये देखो एसीपी प्रद्युमन बात कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि यहाँ पे कोई आया था। दया 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 कोई आया था यहाँ पे, दया पता लगाओ, तोड़ दो दरवाजा। चलो वेरी नाइस, तो आपको वीडियो कैसा लगा? अभी हम प्राइस पूछने जा रहे हैं, हाथ लगाना यहाँ पर। फर्स्ट घर जो हमने देखा था वो अप्रॉक्सीमेटली 281,000 डॉलर्स का बनेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का। और जो दूसरा घर है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप है, बड़ा है, वो 350,000 डॉलर्स में बनेगा। और ऐसे ही हम अगर हम आगे चलते हैं तो अगला घर जो बनता है वो बनेगा 1,72,000 डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली। ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज़ें मंगाओ। ये वाला घर बहुत महंगा है, ये बड़ा भी है। ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये वेरी करेंगे हर एक बिल्डर से। ये आजकल के टाइम का घर है 2021 का। इस घर में मैं जब गया तो ज़बरदस्त व्यू था और ये पार्किंग है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा था आज रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लूँ। गाइज़ इसके अंदर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई घर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना। 1 से लेकर 5 घर के बीच में मैंने आपको बताया है। तो जो घर आपको बताए हैं उनमें सामान अलग है, सिर्फ ईंट पत्थर का वो बनाकर देंगे। बेस्ट ऑफ लक।